हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होटलाइन गेमिंग में। और आज हम खेलने वाले हैं। ओ, लगता है कुछ गलत हो गया। फिर से आज हम खेलने वाले हैं द बेबी इन येलो। तो इस गेम का पिछला एपिसोड आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लेना। पिछले वाले एपिसोड में इस बेबी को भाई मिल्क पाओ, 2 मिनट में इसकी नेपी गंदी। तो इसकी नेपी चेंज कर करके हम इतना तंग आ गए थे हम कि क्या ही बताएं आपको, वो तो मुझसे पूछे कोई। और लेकिन इस बेबी ने एंड में जाके हमें मार दिया। और हमारे पेरेंट्स कोई आज रात कोई पार्टी या मीटिंग में गए हुए थे, हमें बेबी के साथ घर पर ही छोड़ के गए थे, हमारी छोटी बेबी के साथ। तो इसका अच्छी तरीके से देखभाल रखी इसकी, टाइम पर इसे मिल्क पाया, इसकी नेपी गंदी हुई वो चेंज करी, इसे बेड पर सुलाया, इसे स्टोरी सुनाई। लेकिन इसने तो एंड में जाके हमें ही एकदम ऐसे डरावने वाले मूवमेंट करके मार दिया। और लेकिन पिछली बातों को छोड़ते हैं यार, वैसे है तो अपना ही बेबी, छोटा सा इसके अंदर भूतिया आत्मा है, तो इसकी क्या ही गलती है वैसे। लेकिन इस एपिसोड में एक होता है रेबिट, और उस रेबिट हमें कुछ तो समझाने की कोशिश करता है, वो कहाँ ले जाता है हमें मुझे नहीं पता। उसको फॉलो करना होता है, बेबी हमारे लिए तकलीफें पैदा करेगा रास्ते में, लेकिन इसे इग्नोर करना है और हमें रेबिट की तरफ जाना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, गेम प्ले में देख लेना गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसे गाइस। मैंने ये दूसरा एपिसोड लाने में कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया, लेकिन उसके लिए सॉरी गाइस। और ये खरगोश जहाँ भी जाता है अपने साइन वगैरह छोड़ के जाता है, और लगता है हम कोई लिफ्ट वगैरह में आ गए हैं। और ये लिफ्ट स्टार्ट हो गई है, वहीं छोटी की जहाँ में जाना। अबे कहाँ जाना है अबे यार, मुझे लगता है इसकी कोई वायर आयर कट गई, देखो उसमें से धुआं निकल रहा है। लिफ्ट कहाँ जाके पटकेगी मुझे नहीं पता कुछ। भाई साहब क्या था ये? ओ लैंडिंग तो एकदम सेफ हुई है। और देखो ये बोल रहा था मैं खरगोश से साइन वगैरह छोड़ के जाता, लेकिन हमें ये बता रहा है अभी हमें इधर जाना है गाइस। तो हम इधर चलते हैं, और इधर रूम वगैरह तो है बहुत सारे, हम कहाँ जाना है वो मुझे भी नहीं पता। भाई यार पीछे कौन है? ओ कोई नहीं है, सीढ़ियों से उतर रहे थे तब ऐसे धक धक हो रहे, ऐसे धक धक हो रहा था। देखो अब सीढ़ी से उतरेंगे, देखो ऐसे धक धक धक, वो देखो ये हो रहा था। मैं सोचा पीछे कोई रेबिट हो गया, वो रेबिट क्या, रेबिट तो अपना ही दोस्त है वैसे, ऐसे बेबी भी अपना ही है, लेकिन कोई वो शैतान वगैरह कुछ आ जाए यार, क्या पता हॉरर गेम। देखो ये गेट खुला, इसमें चलते हैं। और अबे वहाँ मुझे धक्का लगा, ये लोग बंद। ओ कीस बेबी के पास है, अबे यार वो भाग गया। तो गई जैसी तकलीफें ये पैदा करते रहता है यार। देखो इससे आशे की लेते हैं और इसे खोलते हैं। अबे ओ दीवार पे जाके पीछे के गाइस, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, सीधी बता रहा हूँ। रुको अबे यार मैं तो इसके पास जा रहा हूँ और ये भाग जा रहा है। देखो अब किधर गया, देखो मैं इसके पास जा रहा हूँ और ये भाग जा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे तो ये हाथ में आने वाला नहीं। रुको मैं आराम से जाता हूँ और ऐसे करके और ऐसे पकड़। अबे यार भाग गया। रुक इस फ्रीज के अंदर क्या पता मिल्क वगैरह, और इसे मिल्क तो नहीं है लेकिन तरबूज है। रुक ये तरबूज ले लेगे तू, ले तरबूज ले ले, ये ले ले और मुझे दे देगी तरबूज। ले ले यार तू, ले तरबूज ले ले यार, ये कुछ नहीं खाने वाला यार, ये हमें तंग ही कर रहा है। रुको नीड म्यूजिक टू प्ले, यार इसको प्ले कैसे करते हैं? लेकिन मिसिंग रिकॉर्ड, ओ यार रिकॉर्ड लाके लगाना है रिकॉर्ड। देखो ये क्या, ओ यार पिकअप करते हैं इसे और यहाँ लाके इसे लगाते हैं और इससे कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, क्या पता कोई सुलाने बुलाने का तो बेबी आ जाए। गाइज एक म्यूजिक तो पल्ले हो रहा है वैसे, अच्छा ही है, लेकिन बेबी तो नहीं आ रहा गाइज। इसे मैंने बंद कर दिया गाइज, वो बेबी तो आने वाला है नहीं, और रिकॉर्ड इस घर में आई थिंक नहीं है। ओ ये कोई और है, रुको इसे लगा के देखते हैं, उसे निकालते हैं और इसे लगाते हैं। रुको इसे यहाँ पर रखा और देखो ये रहा बेबी, अबे भाग गया साला, इसे निकाल दे। रुको अबे यार इसको कैसे निकालते हैं मुझे ये भी नहीं पता। रुको इसे लगाते हैं यहाँ पर और ये निकल गया है। अब ये पले करते हैं गाइज, इससे कुछ नहीं हो रहा गाइज। गाइज एक बात तो मैंने नोटिस करी है, किसी का भी घर हो उसे म्यूजिक से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। तो देखो उसने म्यूजिक वगैरह गिटार वगैरह पियानो वगैरह सब इधर ही लगा के रखा है। लेकिन गाइज हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हमें इस बेबी से की लेनी है, हमें और भी अभी आगे तक जाना है बेबी को, रेबिट को फॉलो कर करके। लेकिन इससे कैसे ले वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। रुको पिकअप म्यूजिक क्या है ये, ऐसे कुछ भी, और इधर भी गिटार वगैरह। ये ट्रॉफी किधर की है, अवार्ड फॉर 2009 की है। रुको ये क्या है यार, ये कागज जैसे टुकड़े पड़े हुए हैं। पिकअप पियानो म्यूजिक, क्या पता इससे पियानो वगैरह बजता हो। एक ओ इधर आ रहा है पुलिस शीट म्यूजिक, तीन ऐसे पेपर इकट्ठा करने, एक तो ये हो गया और एक यही आई थिंक। रुको इसे उठाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, इसे उठाया। अबे यार शायद ये नहीं, कोई और ढूंढने, और कहाँ ढूंढूँ।
अबे एक रूम, अबे यार बाथरूम है, बाथरूम में कौन क्या ही मिलेगा। ओ एक ईयर है, रुको आई थिंक यही, हाँ यही है। देखो इसका भी एक दो लेटर कटा हुआ है और उसका भी यहाँ लगाया। अबे यार ये सब मैंने सोचा इसके पास जाएगा, लेकिन बीच का एक और अभी गायब है, उसे भी ढूंढना है हमें। और उसको हमने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, इधर वगैरह तो नहीं है, टीवी वगैरह चालू कर सकते हैं नहीं, और तो देखो गिटार पड़ा इसे बजाते हैं नहीं ओ ये गियरा, रुको इसे ले चलते हैं और वहां पर पियानो सुनते, क्या पता कोई बेबी आ जाए वगैरह या कोई कुछ तो होगा, तभी पियानो बजाने को हमें कहा गया है। रुको इसे उठाते हैं, यार एक उठ क्यों नहीं रहा, और उठ गया, और इसे यहाँ पर जाके लगाते हैं। अब पियानो प्ले कर सकते हैं हम आराम से, चेयर पर बैठते हैं और पियानो बजाते हैं। यार मुझे इसका नाम ही नहीं, ओ बेबी आ गया, मुझे इसका नाम ही नहीं आ रहा था, ये बोल रहा था पियानो, और बेबी आ गया, इसके आशिक की ले ही नहीं सकते हम, खड़े होने का ऑप्शन ही नहीं है, वरना तो मैं ले लेता। और ये क्या हो रहा है पता नहीं, ओ बेबी गिर गया, रुको रुको मौके का फायदा उठाते हैं और बेबी से। अबे यार वो हाथ नहीं आने वाला गाइस, कुछ भी बोलो चाहे, रुको रुको क्या पता अब थोड़ा डैमेज हो गया तो हाथ आ। अबे यार ये डैमेज होता ही नहीं, भूतिया में ही भूतिया आत्मा डैमेज, ओ भूतिया आत्मा डैमेज तो नहीं होती, लेकिन इधर है पर ये सीक्रेट स्विच, लगता है पियानो बजाने से सीक्रेट स्विच हुआ है, क्या पता इसे कोई सीक्रेट दरवाजा वगैरह, ओ ए गुफा वगैरह जैसी कुछ ओपन हुई है, घर में सीक्रेट डोर लगा के रखा गया देखो, और ये गुफा चले जा रही है क्या पता कुछ। ओ ये क्या है, ये इधर जमीन की सील रही है, कागज वगैरह पड़े, रुको ये रिकॉर्ड ले जाना होगा आई थिंक, रुको ये नहीं रहना गाइज वहां में, रिकॉर्ड लेके जा रहा हूँ मेरा, क्या बता ये रिकॉर्ड ले जाने से वो बेबी, अबे यार गिर गई, ये रिकॉर्ड प्ले करने से क्या पता वो बेबी, अबे ये क्या था अजीब भाई, क्या पता रिकॉर्ड प्ले करने से वो बेबी आ जाए अपने पास, वैसे लगता तो नहीं मुझे आ जाएगा, लेकिन फिर भी प्ले करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ सुनाने उलाने को संगीत वगैरह हो। और ये रहा बेबी, ओ आ गया, रुको जल्दी लेते हैं ये, देखो ऐसे डांस करे, इसकी आशे ले लेते हैं हम की। अबे यार वो गिर गई, क्या पता वो वापस उठा ले, ओ मैंने उठा ली, अब क्या घूर रहा है, मुझे तेरी जरूरत, मैं जा रहा हूँ, मैं इधर नहीं रुकने वाला, बे एक सेकेंड ही तू इधर ही रह, ये हम जाते जाते ये दरवाजा वगैरह बंद कर देते हैं, मैं मेरे पास इसकी की नहीं है, वरना मैं लॉक कर देता यार, बेबी के बेबी से छुटकारा तो मिलता, वैसे छुटकारा क्या वो कहीं से भी आ जाता है। और ये सामने लिफ्ट है गाइस, इसी लिफ्ट से जाना है मुझे लगता है, और ये दरवाजा लॉक्ड है, और अबे यार डमन पावर आउट, ओ इसमें पावर देना यार, इसमें पावर ही नहीं लगता है, बेबी ने उसकी भी कुछ फ्यूज वगैरह उड़ा दिए लिफ्ट के भी, तो ये दरवाजा ओपन तो हो गया, और इधर चलते हैं, इधर क्या है, इसे ओपन करते हैं, ओपन हो गया, एक इधर जाने का रास्ता, एक इधर, इलेक्ट्रिक सिटी का लोगो वगैरह तो इसी गेट में है, लेकिन इसमें भी अगर जाकर देख लेते हैं क्या पता कुछ अच्छी काम की चीज मिल जाए। ओ इसमें एक कमरा है जिसमें लोग है, और उसमें दो की चाहिए, एक तो ऐसे सेव वाली और एक इसे मैचिंग, ऐसी ऐसे मैचिंग वाली की, तो अब वो की कहाँ मिलेगी मुझे नहीं पता, इधर की वगैरह तो है नहीं, हम चलते हैं इस रूम में, इलेक्ट्रिक सिटी के साथ यही होगा, उसमें पावर देते हैं, और ये ओ गेट बंद हो गया भाई, कुछ गलत तो नहीं होने वाला, और इधर कुछ पासवर्ड वगैरह है, 4 3 1 अंक गाइप पर, क्या होता क्या पासवर्ड, इधर इधर कुछ तो पासवर्ड वगैरह, पर इसे छोड़ते हैं एक बार, पूरे क्या टेक फ्यूज नीले कलर का कुछ फ्यूज वगैरह, अब इधर पावर देने का है मुझे वही, ओ रुको इनो पावर मतलब इसमें एक तो ब्लू वाला फ्यूज नहीं है, और वो अभी हमने देखा था, चलो अच्छी बात है हम यहाँ लाके लगा देंगे, और एक है पिंक वाला, तो रुको ये रहा ब्लू वाला, तो इसको लाके लगा देते हैं यहाँ पर, अबे ये लग ही नहीं रहा, रुको कुछ ये क्या है, ओ ब्लू वाला यहीं लगेगा, रुको इस आई थिंक उधर ही होगा जिसमें वो वाला लगता है, देखो इधर एक तो एकदम सही हो गया, और एक फ्यूज गायब है, देखो ये रहा इधर, तो गाइस देखो ये रहा पिंक वाला, इसमें पिंक वाला फ्यूज लाके लगाते हैं, पिंक वाला कहाँ मिलेगा वो नहीं पता, इधर ही ओ अलमारी वगैरह, रुको इन तीनों को खोलते हैं, ओ ये रहा मेरे तीनों को एक साथ ही खोल दी गाइस, तो ये लगाते हैं और अपना काम हो गया गाइस, हम चलते हैं यहाँ से इस फ्यूज को लगा के, एक सेकेंड, ओ यार नो ये अब देखो इस बेबी ने ये वाला फ्यूज निकाल लिया हमने, ये लगाया, रुको मुझे दे दे भाई मैं बता रहा हूँ, और ये क्या था, ओ इसने फोड़ दिया भाई, ऐसा मत कर, रुक तुझे तो ये ले, इधर ही रुक मैं जल्दी से ये फ्यूज लाके लगाता हूँ, और अबे यार तू इधर ही रहो भाई मैं जा रहा हूँ, अबे गाइस इस बेबी की बीमारी क्या है यार, इसमें क्या तकलीफ है इसे, अब इसने पिंक वाला फ्यूज निकाल दिया, तेरी तो रुक
देखो वापिस इनने फ्यूज बोर्ड दिया। अच्छा है, ये तो हमारे पास डब्बा है पूरे का पूरा, वरना तो हमारा एक भी फ्यूज नहीं छोड़ता। रुक तुझे इस अलमारी में बंद कर देता हूँ। अब क्या करेगा रुक। अब यार ये अलमारी पहले बंद हो गई इसके डर से, इसे यहाँ गिरते हैं और ये अलमारी कर दी हमने बंद। अब बैग वाला ये फ्यूज वाला लाते हैं और इसे लगाते हैं। अब निकाल के दिखा दम। तो अबे दम की बात की और ये आ गया। गाइज यार परेशान करके रख दिया इसने, सही बताऊं तो आपको। कुछ तो इलाज होगा इसका। ये क्या है, इसको सर पर फोड़ता हूँ। रुको गाइज, मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा है क्या है बताऊं। रुको तेरी तो ये ले, तू भाई तेरी आदत ही रोने की, तू रो। ये ले दीवार में घुसो दिया इसको। ये ले, क्या मैं तुझे ऐसे ही गिराऊंगा। ये ले वैसे जाने देते हैं यार, छोटे बेबी के बराबर क्या ही हो। रुको इसे जाने देते हैं, छोटे बेबी के बराबर हो गए अम्मी गाइस देखो। लेकिन इसके गाइस इसके लखन ही ऐसे है क्या बताऊँ आपको। ओ अनलॉक, कुछ पासवर्ड वगैरह मांग रहा है लगता है इसे अनलॉक करने पर, कुछ तो होगा। ओ एक सेकेंड मुझे बता, रुको यहाँ पासवर्ड था 4 3 आई थिंक, या फिर तो 2 होगा या फिर 4 होगा, यही होने वाला है। लेकिन एक पासवर्ड इधर, हाँ इसी अलमारी में था शायद। देखो हाँ इसमें ही था, इसमें है 171 अंक गाई पर। रुको मैं कुछ ट्राई करके देखता हूँ फिर। यहाँ लगा देते हैं 3 4 5, यहाँ लगा देते हैं 2 3 4, यहाँ 0 1 2 और यहाँ 7 8 9। ओ भाई साहब क्या तुक्का लगाया। रुको इसे ओपन करते हैं एक बार, और इसमें कुछ जाने का रास्ता वगैरह है बेबी को इसके अंदर घेर देते हैं, क्या पता हमारी परेश इससे पिचकार छूट जाए हमें, और इसे बंद कर देते हैं। अब गया तो है लेकिन वो इसे अजीब सी आवाज आ रही है। अब क्या पता ये रो रहा है हंस रहा है, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन चलो चला गया होगा। रुको कौन सा फ्यूज निकाला था, ये वाला। रुको ये फ्यूज लेते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, यार ग्रीन वाला निकाला था अम्मी ना बेबी के चक्कर में। गाइज मेरी खुद की दिमाग की हालत खराब हो गई इसे बताऊं तो आपको। और इसे यहाँ पर लगाते हैं और अपना पावर का काम हो गया सक्सेसफुल। और इधर क्या हो रहा है, यहाँ कुछ और गड़बड़ हो, उससे पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं। और गड़बड़ हो चुकी है गाइज, ये कौन से जानवर के निशान है पंजे वगैरह। मुझे लगता है गाइज बहुत गलत होने वाला हमारे साथ। गाइज यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ। रुको तेरी तो तेरी, अभी ये दरवाजा खुला है। ओ यार तेरी यार, डोंट लीव, क्या आ रहा है। मुझे लगता है कुछ तो गलत होने वाला, क्या होने वाला है अबे तेरी तो। रुक रुक ये कहाँ भागे जा रहा है गाइस, लिफ्ट कहाँ है। ओ ये रही हमारी लिफ्ट, जल्दी हम लिफ्ट में चलते हैं गाइस। और अपना काम हो गया लगता है मुझे। अबे ये क्या है, ये गिर गया। ओ नो ये क्या है भाई, मैं जा रहा हूँ इस दरवाजे से, कुछ अजीब ही दिखने वाला जानवर वगैरह है भाई वो। और है ये क्या, ओ ये की लगानी है लगता है, उस दरवाजे ओपन होने के बाद हम भाग जाएंगे। अबे यार नहीं गाइज यार, तो दूसरी बार ट्राई करते हैं। मुझे बता इस गेट से मुझे भागना रो की उठानी है भाई, ये अलग ही दिखने वाला शैतान वगैरह क्या है। मैंने तो इसको पहली बार देखा था, ये पिछले वाले एपिसोड में तो नहीं था हमारे। यहाँ चलते हैं, उधर तो नहीं जाना ना। नहीं और ओ इधर 2 की लानी है, मैं कहाँ से ढूंढूँ इतनी की मैं। ओ एक तो ये वाली है जो, ओ एक तो, अबे यार हमें की नहीं मिल रही, मुझे वो आ जाएगा जितने। रुको एक तो ये रही देखो, ऐसी की तो, हाँ एक तो ये रही। अबे यार वो गिर गई, ओ एक ये रही। ओ गाइस मैंने, मुझे दोनों की दिख गई थी लेकिन वो भी मैं एक लगाना चाह रहा था, वो भी गिर गई यार। रुको नेक्स्ट बार ट्राई करते हैं गाइस, मैं तो इस शैतान को देख कर ही डर जा रहा हूँ गाइस, सही बताऊँ तो आपको। ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं और ये की उठाते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं गाइस। वो पीछे आ रहा है मुझे बताए, और जल्दी जल्दी जाना है हमें, इधर ही जाना है इसी रास्ते पर। और इसी रास्ते पर 2 दरवाजे आएंगे, जल्दी उनको खोलना है वरना वो हमें। देखो ये वही ये रही है कि ये मुझे दिखी थी, वो आने के बाद दिखी थी। और एक देखो ये रही कि उसको उठाते हैं और इसे लगाते हैं। ओ भाई वो वापस तो नहीं आ गया पीछे। ओ भाई यार, अबे रास्ता भाई ऐसे तो ना डरो यार। रुको ये रही लिफ्ट, इसे करते हैं यार ये लग जाए। हाँ अब इसके अंदर चलते हैं गाइस। लास्ट वाली स्माइल तो बेबी की अलग ही थी भाई साहब, दिमाग का दही का डाला गया सही बताऊं तो यार। रुको स्टार्ट करते हैं इसे और वापस लिफ्ट में आ गए गाइज हम, और ये लिफ्ट भी ओपन होने ही वाली है, हो गई। तो गाइज हम तो वापस उसी होम में आ गए जिसमें पहले थे, उसी हाउस में आ गए। देखो ये रहा था बेबी,
और इस बेबी को पाना है हमें गेट बोतल प्रोम फ्रीज फ्रीज से मिल्क ला के पाना है। रुको, फ्रीज कहाँ है? और ये क्या है इधर? पिकअप की? ओ, ये किसकी की है मुझे नहीं पता। इसे एक बार फेंकते हैं, इसे मिल्क ला के पाते हैं। अबे यार बाथरूम में, ये रहा फ्रीज, इसे मिल्क ला के पाते हैं, ये रहा मिल्क, ये मिल्क ले जाते हैं और इसे पिलाते हैं। ये लो मिल्क पी ले। गैस पिछली बार तो इसने मिल्क पीने के साथ, अब की बार मैं बोल रहा हूँ, पिछली बार इसने मिल्क पीने के साथ, अब की बार भी इसने ये वही काम कर दिया। रुक, अब की बार तो किधर ही मजा ना, बता रहा हूँ मैं। पिछली बार इसकी मैंने नेपी उठाई और गायब हो गया, लेकिन अब की बार तो हो ही गया। भाई यार इसकी ये आदत मुझे घटिया लगती है। देख ये सोफे पर आकर आराम से टीवी देख रहा, तो इधर भी की पड़ी है। तू अगर इतना ही तेज है तो अपनी नेपी खुद चेंज क्यों नहीं कर लेता बे? रुक तेरी तो, रुक वापस गेट फ्रॉम फ्रीज। यार मैं इसे कितना मिल पाऊंगा गाइज? मैं नहीं पाने वाला इसे मिल्क। ओ मैं सही बता रहा था गाइज, ये हमें गुमराह करने की कोशिश करता है और यहाँ भी इसने हमें गुमराह किया। देखो मिल्क पाता है नेपी गंदी, इसे मिल्क पाते हैं नेपी गंदी, यही चलता रहता है इसका। लेकिन इधर जाना, देखो रेबिट के साइन वगैरह इधर आ रहे हैं और ऊपर। ओ इस कमरे को खोलना, ये की अभी देखी थी मैंने गाइज, रुको धक्के आ गई ये की, क्योंकि मैं इधर जा रहा था तो ये की ऐसे चमक रही थी तो मैंने देखा तो यही की थी। रुको यही है आई थिंक, दिल वाली ऐसे पिंक वाली जैसी, हाँ यही है। रुको इसे ओपन करते हैं और बाहर चलते हैं। बाहर क्या यार, इसे ओपन किया, इधर रेलगाड़ी वगैरह अच्छी लग रही है गाइज, को चलती है। एक को उठाते हैं, ये लो इन्हें, रुको इसको ऐसे करके। ओ यार सबकी मैंने ऐसी तैसी कर दी। लेकिन रुको यहाँ निकलते हैं, पर कुछ रूम वगैरह आए हैं, इस रूम में चलना आई थिंक। ये रहा बेबी, उसको ले चलते हैं साथ में। अबे कुछ रास्ता वगैरह तो जा रहे हैं लगता है गाइज, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। देखो इधर लाइट वगैरह भी नहीं है और इधर रास्ता तो है। अबे यार तू क्यों गिर रहा है? रो मत, हो रोने लग गया। देखो गाइज भाई तू मत रो यार, तू एक तो गिर मत ज़्यादा, तू गिर ही रहा है। देखो और इधर एक रूम वगैरह है, इसमें चलते हैं और इसको सुलाते हैं। इसके भाई साहब इसको सुलाते हैं, यही है इसका यूज का मुझे पता है। इसको यहाँ पर सुलाते हैं और जल्दी से इस गेट से निकलते हैं और वापस वही कमरा जैसा क्यों लग रहा है मुझे, वही रूम आया वापस, आगे वही बेबी वही रूम। यार क्या हो रहा है यार को? और इधर लाइट वगैरह, अबे यार लाइट तो है देखो इधर, लेकिन लाइट थोड़ी तेज नहीं है, धीमी है, क्योंकि देखो कुछ रोशनी वगैरह ज्यादा हो ही नहीं रही। वैसे हो तो रही है, ठीक है ठीक है। अबे वो भाग गया भाई, मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, वो किधर गायब हो गया यार। देखो ये नाटक है उसके, मुझे अब ऐसे डर सा लगने लग गया गाइस यार। और इधर भाई ये क्या है भाई, जड़े वगैरह कैसे निकल रही है? मैं जा रहा हूँ इधर। ओ ये क्या है, अब की बार लगता है टीवी लेके आया है। अबे भाई रुक, अबे यार मैं टीवी की तरफ नजर मोड़ रहा। अबे यार अब समझा मैं, हमें ये टीवी वगैरह नहीं देखना, ये टीवी देखेंगे वापस वहीं आ जाएंगे। देखो ये टीवी वगैरह नहीं देखना, हाँ नहीं नहीं मैं देखूंगा ही नहीं, मैं मुंडी उधर कर दूंगा अभी, हमें हमारी गर्दन पीछे हो गए चलेंगे इसे। अबे भाई ये भाई कितने सारे हैं। अबे यार अबे भाई जल्दी जल्दी जल्दी, मैं एक ही नहीं देखने वाला गाइस, सही बताऊँ तो मैं जल्दी अपने। अबे अभी तो भाई रुको रुको, ये रहा रूम, हम चलते हैं। अब कोई टीवी, अबे यार मैंने सोचा अब कोई टीवी वगैरह नहीं है, लेकिन तो अब तो ये भाई आवाज़ वगैरह भी करने लगे हैं अजीब ही तरीके से। चलो फाइनली हमने पार कर लिया और हम चलते हैं, अब कोई भी टीवी वगैरह भाई क्या है यार ये, अचानक ही बड़ा सारा टीवी वगैरह आ गया, वो पता ही नहीं इधर तो लोग है किधर गया। मैंने सोचा अब नहीं आएगा, लेकिन भाई मैं नहीं देखने वाला इसे, बेबी को उठाने नहीं वाला। इसे खोलते हैं अगले रूम को, और अब की बार क्या हुआ ये, इधर क्या है? बेबी ओ गायब हो गया, इधर क्या है? ड्रोन वगैरह है गाइस, उसमें लाइट तो थी लेकिन थोड़ी तेज नहीं थी, वैसे धीमी थी, लेकिन इसमें तो मोमबत्तियों के सारे ये चलती है। देखो सब लोग इधर मोमबत्तियां लेके टांग के रखते हैं, इसमें मुझे लगता है कुछ खतरा है हमारे लिए। ओबे भाई डरा दिया इसने क्या? ओ ये तो वही पंजों के निशान है जो पहले थे उधर। भाई यार मुझे कुछ गलत होने की संभावना लग रही है इधर, ये ड्रोन से कौन सी आवाज निकल रही है भाई, अलग ही ध्वनि वगैरह। जल्दी, ओ भाई वो क्या है, मैं वापस तो जाऊंगा तो वहीं पूछ जाऊंगा यार, मुझे जाना होगा। लगता है गाइस वो पक्षी तो नहीं है, लेकिन मुझे लग तो वही रहा। ये क्या था भाई, मैं इसे उठाता हूँ।
और भाई मैं इसके अंदर तो टोकरी के अंदर नहीं डालने वाला, क्योंकि जितनी बार हम टोकरी के अंदर डालते पोपट हो जाता है। पिछली बार टोकरी के अंदर डाला और वापस वहीं से शुरू करना पड़ा। और ये केट, बोले केट वगैरह क्या है? ओ रुको, यहाँ खरगोश के निशान वगैरह है, मतलब इधर इसको घेर दे। भाई मैं तो नहीं चला जाऊंगा ना अंदर। ओ इसको घेर दे, रास्ता ओपन हो गया। चलो ठीक है, इसी रास्ते में हम चलते हैं। रास्ता तो वैसे काफी खूबसूरत ओपन हुआ, जैसे बादलों को चीर के होता है ना, उसी तरह पहाड़ और इधर जड़े वगैरह क्या है। इधर है गाइस, देखो प्रॉपर लाइट, इसे कहते हैं लाइट। देखो कितनी तेज लाइट है, और इसी गुफा के अंदर जाने आई थी। ये क्या है? अबे यार ये क्या है? इसे खोलते हैं और इसके अंदर चलते हैं। इधर गाइस लाइट वगैरह है, तो मुझे थोड़ा सेफ महसूस हो रहा है मुझे। और उसका वैसे भी कोई पता नहीं, वो शैतान कहीं से भी ऐसा प्रकट। भाई ओ यार, उसका नाम लिया वो शैतान हाजिर। यार मैं अब किधर जाऊं? मैं तो रास्ता, ओ यार इधर रास्ता ही नहीं है। अबे यार नहीं गाइस, यार मुझे कुछ रास्ता ही नहीं मिला गाइस। लगता है कुछ गुफा वगैरह है छोटी, देखो इधर है ना, और वापस वहीं से शुरू करना पड़ रहा है गाइस। ये बुरी बात है यार, कुछ रास्ता वगैरह नहीं था। मुझे लगता है देखो ऐसी कोई गुफा होगी इस जैसी, उसमें हमें जाना है। रुको एक बार वापस ट्राई करते हैं। अब की बार मुझे बताया वो कहाँ से शैतान हमारा पीछा करेगा? वो यहीं से शुरू होता है देखो, इसी से। और मैं यहाँ रुकने हूँ भाई, एक बार धरती उजा दे रहा है। देखो ये जमीन सी ऐसी हिलने लग जाती है जब प्रकट होता है। और भाई ये ओपन हो जाए यार। ओ ये रही, रुको इसमें चलते हैं, क्या पता इसमें ही जाना हो। मैं शैतान ही आने वाला। ओ चलो ठीक है, इसमें ही जाना था। डोंट लीव भाई साहब, अलग ही दिखने वाला शैतान है ये तो। इस एपिसोड में पता नहीं कहाँ से टपक गया। पूरी ट्रेन वगैरह ये डक वगैरह पड़ी है। और बेबी भाई यार क्या है इन गेम का, मैं नाम लेता हूँ और प्रकट हो जाते हैं। मैंने शैतान का नाम लिया वो आ गया, बेबी का नाम लिया वो आ गया। पर चलो इधर जाने का रास्ता वगैरह है, अब हमें बचकर एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा। और वो आ गया, रुको अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं सीधे मैं पीछे देख रहा हूँ, वो आने वाला। गाइस हमने पीछे देखकर गलती कर दी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब भी हम पीछे देखते हैं वो मुझे, वो इधर जाना है हमें निशान वगैरह। अबे यार रुको, वापस शुरू करते हैं यार। देखो वापस वहीं से करना पड़ रहा है। मैंने यार ये घूमरा कर देता है बेबी। देखो ये ऐसे साइन वगैरह अभी देखो इधर दिखा रहे हैं ना जाने के, ऐसे साइन वगैरह उधर ही थे, तो मैंने सोचा साइन वगैरह जाना, लेकिन हमें इस खरगोश के साइन वगैरह फॉलो करना। देखो ये ग्रीन वाले, तो इन्हें फॉलो करके जाना है। और हमें पीछे तो अब की बार में देख नहीं वाला, वैसे एक बार देख तो लेता हूँ। भाई वो आ रहा है पीछे देख रहा, हम गलती कर देते हैं। देखो इधर जाना है, खरगोश के साइन वगैरह इधर है। अबे यार तो ये बंद क्यों हो रहा है? ओ ये क्या है भाई यार, ये रास्ता बंद कर रहा है। रुको क्या यार इसकी एकदम, भाई ये ट्रेन की यार, देखो किधर जाऊँ मैं? ओ इधर ट्रेन वगैरह। अबे मिल्क की बोतल ही बोतल इकट्ठा कर दी इसने यार, ये बेबी है या क्या? मैं रुको यार वो बेबी, भाई भाई साहब क्या बताऊँ आपको। सुनो फाइनली हमने इसको एंड कर लिया मुझे लग रहा है। रन लाइट रेबिट यू आर नॉट द ओनली वन ट्री विल ऑलवेज बी मोर। ओ भाई एंड में तो डरा के मत जाओ कम से कम। तो गाइज फाइनली हमने इस गेम को एंड कर लिया, और काफ़ी खतरनाक था गाइज। मैंने सोचा उससे कुछ ज़्यादा ही हॉरर था, पिछले वाले एपिसोड में इतना हॉरर वगैरह था ही नहीं, लेकिन इसमें तो एक अलग ही दिखने वाला शैतान था। इसमें एक अलग ही दिखने वाला शैतान था, ये बात अलग है, क्योंकि पिछले वाले में ये शैतान वगैरह तो नहीं था। और ये भाई ये शैतान हमें इतना दौड़ाया था ना, क्या ही बताऊँ। मुझे तो पहली बार इसको देखा मुझे समझ ही नहीं आया गाइज, मेरा तो भाई दिमाग खराब इसे देखते। लेकिन फाइनली हमने कड़ी मुश्किल के बाद इसे एंड कर लिया। और आपने वो पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना यूट्यूब चैनल पर हमारे ही। और इसमें एक और एपिसोड होता है, मतलब अगले एपिसोड में हमें कुछ इसके मिल्क में जड़ू बूटी वगैरह मिला के पानी, उससे इसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वो आप बाद में देख लेना, मैं जल्दी अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। और इस एपिसोड में तो उसकी आत्मा प्रॉपर तरीके से हम नहीं निकाल पाए, बस इससे बच के ही हम भागे हैं उस हाउस से। मतलब हम रैबिट की बातों को फॉलो कर करके निकले हैं इस होम इस हाउस से। तो और गाइज आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बता देना, और नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल सके। और लाइक भी कर देना यार गाइज प्लीज़ यार, और कमेंट करके बता देना आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। और मिलेंगे आपको इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।